शुरुआत में हमें डायनासोर के दो अंडों को दिखाया जाता है जिनमें से बेबी डायनासोर निकल रहे थे। उन्हें जुरासिक वर्ल्ड की लैब में तैयार किया जा रहा था। ये डायनासोर हाइब्रिड थे जिन्हें दो डायनासोर के अलग अलग जीनों से बनाया गया था और इन डायनासोर का नाम इंडोमिनस रेक्स था। जुरासिक वर्ल्ड एक थीम पार्क है जहाँ अनुवांशिक रूप से लैब में तैयार किए गए जिंदा डायनासोर को रखा जाता था और लोग यहाँ आकर इन डायनासोर को देख सकते थे। बच्चे भी बेबी डायनासोर के साथ खेला करते थे। फिर हमें चेज और ग्रे नाम के दो भाइयों को दिखाया जाता है जिन्हें उनके पेरेंट्स क्रिसमस की छुट्टियों में जुरासिक पार्क में घूमने के लिए भेजते हैं। वो दोनों शिप से जुरासिक पार्क की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो इस्ला नूबलर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी मॉम की सिस्टर क्लेयर उन्हें लेने के लिए वहां आने वाली थी, जो जुरासिक पार्क की ऑपरेशनल मैनेजर है। पर वो बिजी होने की वजह से उन्हें लेने नहीं आती बल्कि अपनी असिस्टेंट जारा को उन्हें लेने भेजती है। जारा उन्हें ट्रेन में लेकर जुरासिक वर्ल्ड में ले आती है। जुरासिक वर्ल्ड इस्ला नूबलर आइलैंड पर ही बना हुआ था। जारा उन्हें रूम में लेकर जाती है और बताती है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हें VIP पासेस दिए हैं ताकि तुम सारी राइड एंजॉय कर सको। ग्रे डायनासोर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, इसीलिए अपने भाई से कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए। वही हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो जुरासिक वर्ल्ड पार्क के इन्वेस्टर से मिलती है और ने बताती है कि जब ये जुरासिक पार्क ओपन हुआ था तो यहाँ केवल 8 डायनासोर की नस्लें थी, लेकिन अब हमारे पास 14 शाकाहारी और 6 मांसाहारी डायनासोर की नस्लें हैं, जिससे हमारी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। पर अब डायनासोर लोगों के लिए नॉर्मल हो चुके हैं। बच्चे स्टेगोसोरस को ऐसे देखते हैं जैसे वो चिड़ियाघर में हाथी को देख रहे हो, इसीलिए हमारे खुदाई करने वाले हर साल नए डायनासोर की प्रजाति की खोज करते रहते हैं। पर लोगों को ज्यादा बड़े और ज्यादा खोखा डायनासोर चाहिए, इसीलिए हमारे साइंटिस्ट हेनरी वू ने जिनके मिश्रण से इंडोमिनस रेक्स को बनाया। तभी वहाँ हेनरी वू भी आ जाते हैं। जॉन इन्वेस्टर को बताते हैं कि हमने इंडोमिनस को बना दिया है। वो पूरी तरह से विकसित होने के बाद 50 फुट तक लंबी होगी, टीरेक्स से भी बहुत बड़ी। क्लेयर उन्हें बताती है कि हमने जब जब नए डायनासोर बनाए हैं, पार्क में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इन्वेस्टर इससे खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रे और जेज को देखते हैं जो जारा के साथ इनोवेशन सेंटर में जाते हैं जहाँ सभी डायनासोर के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अपने भांजों से मिलने के लिए आ जाती है। ग्रे उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, वो बहुत सालों बाद उनसे मिल रहा था। क्लेयर जैसे कहती है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटे थे। फिर वो उन्हें खाने के कूपन देकर बताती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, इसीलिए जारा तुम्हारा ख्याल रखेगी। ग्रे और जेज इससे सेड हो जाते हैं। क्लेयर उनसे वादा करती है कि मैं कल तुम्हें अपने साथ कंट्रोल रूम लेकर जाऊंगी, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसे मिस्टर मसरानी उड़ा रहे होते हैं, जो जुरासिक वर्ल्ड के फाउंडर थे। वो अभी हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस ले रहे थे। क्लेयर भी हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और उन्हें नए डायनासोर को दिखाने के लिए लेकर जाती है। मसरानी ठीक से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पा रहे थे क्योंकि उन्हें अभी भी लाइसेंस मिलने में 2 दिन बाकी थे। क्लेयर डरी हुई होती है। वो उन्हें बताती है कि मार्केटिंग वालों का कहना है कि खर्चे कम करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। मसरानी उन्हें बताते हैं कि तुम्हें खर्चे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पिछले जुरासिक वर्ल्ड के फाउंडर की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका पार्क संभालूं और उन्होंने मुझसे कभी प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया, बस लोगों को मजा आना चाहिए। और ये मत भूलिए कि हमने ये जगह इसीलिए बनाई है ताकि जुरासिक वर्ल्ड हमें ये याद दिलाए कि हम इंसान कितने छोटे हैं। फिर वो उस बेस पर पहुंच जाते हैं जहां इंडोमिनस रेस को रखा हुआ था। मसरानी देखते हैं कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। क्लेयर बताती है कि हम दीवारों को और ऊंचा कर रहे हैं, ये नया डायनासोर बहुत बड़ा है। फिर उन्हें अंदर ले जाकर इंडोमिनस रेस को दिखाती है। मसरानी हैरान होते हैं कि वो डायनासोर सफेद है। क्लेयर बताती है कि डायनासोर थर्मल रेडिएशन को महसूस कर सकती है और हमने इंडोमिनस रेक्स के 2 डायनासोर को बनाया था जो इसका भाई था, पर ये उसे ही मारकर खा गई। मसरानी को भी इससे डर लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए वो क्लेयर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये पिंजरा सुरक्षित नहीं है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका नाम ओवेन है और वो मेरी कंपनी के रिसर्च प्रोग्राम में शामिल है। तुम्हें उसे भी इस प्रोग्राम में शामिल करना होगा क्योंकि वो डायनासोर को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। फिर हमें ओवेन को दिखाया जाता है जो एक नेवी ऑफिसर था, पर नेवी से निकलने के बाद उसे इंजन सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत वेलोसिराप्टर डायनासोर के व्यवहार पर नजर रखने और उन्हें ट्रेन करने के लिए हायर किया गया था, क्योंकि वेलोसिराप्टर बहुत ही बुद्धिमान डायनासोर होते थे और इस प्रोग्राम के तहत इंजन कंपनी के लोग ये जानना चाहते थे कि वेलोसिराप्टर उनके आदेशों का पालन कर सकते हैं या नहीं, ताकि उन्हें युद्ध में सैनिकों की तरह यूज कर सके। ओवेन 4 वेलोसिराप्टर को ट्रेन कर रहा था और वो काफी हद तक उसकी बात मानने लगे थे। उन चारों डायनासोर के नाम
चार्ली, एको, डेल्टा और ब्लू थे। ओवेन के इस काम को देखकर उसका दोस्त बेरी बहुत खुश होता है। तभी वहाँ विंग होस्किंग आ जाता है, जो जुरासिक वर्ल्ड के प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स का लीडर है, और उसका मानना था कि इस डायनासोर की जगह यहाँ थीम पार्क में नहीं है, बल्कि वो युद्ध में हमारे दुश्मनों को मारने के काम आ सकते हैं। वो ओवेन को कहता है कि मैंने देखा कि डायनासोर तुम्हारे सभी हुक्म मानते हैं, इसीलिए हमें टेस्ट फील्ड पर काम करना होगा। ओवेन कहता है कि जंगली जानवर है, हम इन्हें मैदान में खुला नहीं छोड़ सकते। विग उसे समझाता है कि जंग में हमारे लाखों सिपाहियों की जान जाती है, और हमारे ड्रोन और टेक्नोलॉजी से हम सभी काम नहीं कर सकते, उन्हें एक भी किया जा सकता है, इसीलिए हमें इन डायनासोर को युद्ध में यूज करना होगा, ये एक बेहतर किलिंग मशीन है। ओवेन कहता है कि तुम इन जानवरों के बारे में कुछ नहीं जानते। विग उसे कहता है कि चाहे तुम हमारा साथ दो या ना दो, लेकिन एक दिन ये डायनासोर हथियार की तरह यूज होंगे। तभी वहाँ बाड़े में मौजूद एक नया वर्कर नीचे डायनासोर के पिंजरे में गिर जाता है, जिसे खाने के लिए रेप्टर आगे बढ़ते हैं। ये देखकर ओवेन तेजी से गेट खोलकर अंदर जाता है। बेरी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो नहीं सुनता। वो उन चारों डायनासोर के सामने आकर उन्हें रोकने लगता है। गार्ड भी रेप्टर पर गन पॉइंट कर देते हैं, पर ओवेन उन्हें गोली चलाने से मना कर देता है और कहता है कि अगर आज इन पर हमला हुआ तो ये कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। बेरी उस वर्कर को बाहर निकाल लेता है, पर ब्लू और बाकी सभी वेलोसिराप्टर ओवेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओवेन उन्हें शांत रहने को कहता है और ऑर्डर देता है कि पीछे हटो। फिर वो आसानी से गेट के बाहर निकल जाता है। वक्त रहते बेरी गेट को बंद कर देता है, जिससे ओवेन की जान बच जाती है। फिर हमें जुरासिक वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बच्चे डायनासोर के साथ खेल रहे थे, उन पर राइड कर रहे थे। जेज और ग्रे भी जारा के साथ वहाँ आए हुए थे। जारा फोन में बिजी होती है, इसीलिए वहाँ से भाग जाते हैं, ताकि वो दोनों आजादी से पार्क को एंजॉय कर सके। वो टीरेस किंगडम में जाते हैं, जहाँ टीरेस को खाना खिलाया जाने वाला था। तभी चेज को उसकी मोम का कॉल आता है, जिन्हें वो बताता है कि क्लेयर आंटी हमारे साथ नहीं है। तो उसकी मोम फौरन अपनी बहन क्लेयर को फोन लगाती है और कहती है कि मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे पास छुट्टियां मनाने भेजा, पर तुम उनके साथ नहीं हो। और वो रोने लगती है, तो क्लेयर उसे कहती है कि मैं कल छुट्टी लेकर उनके साथ वक्त जरूर गुजारूंगी। फिर वो ओवेन के घर पहुंचती है। ओवेन उससे पहचान जाता है, क्योंकि वो कुछ दिनों पहले डेट पर गए थे, पर उन दोनों की बात नहीं बनी। क्लेयर ओवेन से कहती है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, हमने एक नया डायनासोर बनाया है। मिस्टर मसरानी चाहते हैं कि आप उसके बाड़े को एक बार चेक कर लें, आप रेप्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवेन बताता है कि मैं उन्हें कंट्रोल नहीं करता, हमारे बीच एक रिश्ता है जो एक दूसरे के भरोसे पर टिका है। फिर वो उसे इंडोमिनस रेस के बेस पर ले आती है और बताती है कि हमने इसकी महीनों पहले से टिकट की प्री बुकिंग कर दी है, क्योंकि हर साल हमारे पार्क को लोगों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। फिर वो पिंजरे में मास्क डलवाती है, ताकि ओवेन को इंडोमिनस दिखा सके। ओवेन उससे इंडोमिनस रेस के जीनोम के बारे में पूछता है कि इसे किससे बनाया गया है। क्लेयर बताती है कि इसका मूल जीनोम टीरेक्स है, पर इसके बाकी के जीनोम को खुफिया रखा गया है। लैब में जब ये डायनासोर तैयार हुआ, तब से यही कैद है। ओवेन उसे बताता है कि जब भी जानवर अकेले में पलते हैं, तो उनका बर्ताव नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। क्लेयर उसे कहती है कि तुम्हारे रेप्टर भी तो कैद में पैदा हुए थे। ओवेन बताता है कि वो चार भाई बहन है, इसीलिए उन्होंने मिलजुल कर रहना सीख लिया, और मेरे और उनके बीच एक रिलेशन है। पर इस जानवर का रिश्ता सिर्फ उस क्रेन से है, जिससे तुम इसे खाना डालती हो। क्लेयर देखती है कि इंडोमिनस अभी तक खाना खाने नहीं आई। वो घबराई हुई थर्मल सिग्नेचर चेक करती है, पर वहाँ कोई थर्मल सिग्नेचर डिटेक्ट नहीं होते। ओवेन देखता है कि वहाँ बाड़े की दीवार पर पंजे के निशान है, जिससे उन्हें लगता है कि वो यहाँ से भाग गई होगी। क्लेयर इससे परेशान हो जाती है। वो ओवेन को बताती है कि हमने उसकी पीठ पर ट्रैकर लगा रखा है, और उसे कंट्रोल रूम से ट्रैक करने के लिए निकल जाती है। ओवेन सिक्योरिटी गार्ड के साथ इंडोमिनस के बाड़े में आता है, और उसे पूरी दीवार पर पंजों के निशान दिखाई देते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो 40 फुट दीवार से कूद कर भाग गई। क्लेयर कंट्रोल रूम में लोरी को फोन लगाकर उससे इंडोमिनस को ट्रैक करने को कहती है। वो बताता है कि इंडोमिनस अभी भी बाड़े में ही है। इससे वो समझ जाते हैं कि ये सब इंडोमिनस की चाल थी, क्योंकि अपने थर्मल सिग्नेचर को छिपा सकती है। वो जल्दी से ओवेन और गार्ड को वहाँ से निकलने के ऑर्डर देते हैं, और बताते हैं कि डायनासोर पिंजरे के अंदर ही है। ओवेन जल्दी से भागने लगता है, पर इंडोमिनस वहाँ जाती है। ओवेन भागने लगता है, पर वो एक वर्कर को पकड़कर खा लेती है। गार्ड बाहर निकलने के लिए गेट को ओपन कर देता है। ओवेन भी उस तरफ बढ़ता है, पर इंडोमिनस गेट तोड़ते हुए बाहर निकलने लगती है। ओवेन जल्दी से एक ट्रक के नीचे छिप जाता है, और वो सिक्योरिटी गार्ड एक वैन के आगे छिपा हुआ था, पर इंडोमिनस उसकी महक सूंघ लेती है, इसीलिए ट्रक को उठाकर उस गार्ड को कच्चाई खा जाती है। यह देखकर ओवेन भी डर जाता है। वो एक आयरन के पाइप को काटकर
खुद पर आयल डाल लेता है जिससे वो इंडोमिनस उसके महक को नहीं सूंघ पाती और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो अब आजाद हो चुकी थी। इससे कंट्रोल रूम में सभी परेशान होते हैं। विवियन नाम की एम्प्लॉय पूरे पार्क को इन्फॉर्म करने लगती है कि डायनासोर खुला घूम रहा है, मगर मिस्टर मसरानी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि हम चुपचाप उसे पकड़ लेंगे, इससे हम इस पार्क को जिंदा रख सकते हैं। और अब उनकी सिक्योरिटी टीम इंडोमिनस डायनासोर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वही हम ग्रे और जेज को देखते हैं जो मोसेसोरस को देखने के लिए मोसेसोरस किंगडम में आते हैं, जहाँ मोसेसोरस को खाना डाला जाता है जिसे मोसेसोरस एक ही बार में पूरा खा जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर ओवेन भी कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जहाँ क्लेयर पर गुस्सा करता है। तभी वो देखते हैं कि उनकी टीम इंडोमिनस की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ओवेन उन्हें मिशन रोकने को कहता है, पर क्लेयर नहीं सुनती। वो सारे सिक्योरिटी ऑफिसर उस ट्रेकर की लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर वो देखते हैं कि उस ट्रेकर को इंडोमिनस ने अपने शहर से अलग कर दिया है, क्योंकि वो एक बेहद ही इंटेलिजेंट जानवर थी और उसे पता था कि ट्रेकर को उसकी बॉडी में कहां लगाया हुआ है। तभी वहां छिपी हुई इंडोमिनस बाहर निकल आती है, क्योंकि वो अपना कलर बदल सकती थी। वो एक ऑफिसर पर हमला करके उसे मार डालती है। सभी सिक्योरिटी ऑफिसर उस पर हमला करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो एक एक करके उन्हें मारने लग जाती है। इससे कंट्रोल रूम में भी सभी डर जाते हैं। ओवेन मिस्टर मसरानी से कहता है कि हमें इंडोमिनस को खत्म करना होगा, क्योंकि कोई डायनासोर नहीं है, ये लोगों को मार रही है। क्लेयर उसकी नहीं सुनती तो वहाँ से चला जाता है। क्लेयर देखती है कि पार्क में लगभग 21,000 लोग हैं, इसीलिए वो पार्क के नॉर्थ इलाके को बंद करने का ऑर्डर देती है। वहीं ग्रे और जेज जेरो स्पेयर मशीन की मदद से पार्क में घूमने जाते हैं। जेरो स्पेयर एक हेमस्टर बॉल की तरह था जिसमें इनविजिबल बैरियर सिस्टम लगा था, ताकि लोग डायनासोर के पास जाकर उन्हें देख पाए। तभी वो देखते हैं कि सभी डायनासोर भाग रहे हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो आगे बढ़ते रहते हैं। क्लेयर को भी उनकी फिक्र होती है, इसीलिए वो जाना को कॉल लगाती है, पर उसे बताती है कि बच्चे कहीं चले गए हैं और मुझे मिल नहीं रहे। क्लेयर जल्दी से जेज को कॉल लगाती है। जेज आंटी को बताता है कि हम हेमस्टर बॉल में है। तभी सिग्नल कट होने की वजह से उनकी बात नहीं हो पाती। क्लेयर इससे परेशान हुई विवियन को सर्च टीम भेजने को कहती है, पर सर्च टीम बहुत बिजी थी, इसीलिए खुद ही उन्हें बचाने जाने का फैसला करती है। वो ओवेन के पास जाकर उससे मदद मांगती है कि मेरे भांजे जंगल में है, मुझे उन्हें बचाना होगा। ओवेन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं ग्रे और जेज घूमते हुए रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ एंकिलोसोरस डायनासोर थे। तभी इंडोमिनस भी वहाँ जाती है, जो एंकिलोसोरस डायनासोर पर हमला करने लगती है। इससे ग्रे और जेज भी काफी डर जाते हैं। वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एंकिलोसोरस के हमले की वजह से उनकी हेमस्टर बॉल खराब हो जाती है। इंडोमिनस एक एंकिलोसोरस को मार डालती है। तभी उसकी नजर ग्रे और जेज पर भी पड़ जाती है, क्योंकि उस हेमस्टर बॉल की इनविजिबल शीट खराब हो चुकी थी। इंडोमिनस उनके हेमस्टर बॉल पर हमला करके उन्हें खाने की कोशिश करती है, मगर जेज चालाकी से सीट बेल्ट खोल लेता है, जिससे वो दोनों बॉल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इंडोमिनस भी उनका पीछा करती है। जेज और ग्रे एक झरने में कूद जाते हैं, जिससे इंडोमिनस उन्हें नहीं सूंघ पाती और उन दोनों की जान बच जाती है। वही हमें क्लेयर और ओवेन को देखते हैं, जो ग्रे और जेज को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर एक ब्रोंटोसोरस डायनासोर घायल पड़ा हुआ था और वो तड़प रहा था। ओवेन उसे शांत करता है। उस डायनासोर का ऐसा हाल इंडोमिनस नहीं किया था। ब्रोंटोसोरस ओवेन और क्लेयर के सामने ही दम तोड़ देता है, इससे वो दुखी होते हैं। और वो जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि इंडोमिनस ने काफी सारे ब्रोंटोसोरस को मार दिया है, क्योंकि इंडोमिनस जानना चाहती थी कि वो कितनी खतरनाक शिकारी है। फिर वो जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें टूटा हुआ हेमस्टर बॉल मिलता है। इससे क्लेयर दुखी होती है, पर ओवेन वहां बच्चों के पैरों के निशान देखता है, जिसके पीछे पीछे वो झरने तक आ जाते हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि वो बच निकले। क्लेयर दोनों बच्चों को आवाज लगाती है, पर ओवेन उसे ऐसा करने से मना करता हुआ बताता है कि अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही तो डायनासोर हमें ढूंढ लेगी, इसीलिए तुम्हें शांत रहना होगा और तुम वापस जाओ, मैं बच्चों को ढूंढ लूंगा। लेकिन क्लेयर नहीं सुनती और कहती है कि हम दोनों साथ मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। वहीं हम ग्रे और जेज को देखते हैं, जो आगे बढ़ रहे थे। उन्हें जंगल में पुरानी जुरासिक पार्क विजिटर सेंटर दिखता है, जो पूरी तरह से खंडर बन चुका था। वहाँ बहुत अंधेरा था। वो एक मशाल जला लेते हैं। उन्हें वहाँ बहुत सारे औजार और पुरानी 1992 की जीप रेंगलर दिखाई देती है। दोनों भाई मिलकर उसे सही करने लग जाते हैं। वहीं कंट्रोल रूम में मिस्टर मसरानी विवियन और लोवी के साथ इंडोमिनस पर नजर रख रहे थे। सभी विजिटर को अब एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया था, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, मगर इंडोमिनस उसी तरह बढ़ रही थी। उसके पास थर्मल रेडिएशन को महसूस करने की काबिलियत थी।
तभी वह मसरानी के पास विमा जाता है, जो उन्हें बताता है कि मैं 2 साल से रेपडस पर काम कर रहा हूँ और वो इंडोमिनस को ढूंढकर खत्म कर सकते हैं। मसरानी कहते हैं कि तुम्हारा प्रोग्राम केवल रेप्टर की सूझबूझ को टेस्ट करने का था। विग बताता है कि इनकी इंटेलिजेंसी चेक करने के दौरान हमने सीखा कि रेप्टर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम उनकी मदद से इंडोमिनस पर हमला कर सकते हैं। पर मसरानी से साफ इनकार कर देते हैं और बताते हैं कि साइलेंट पर किसी भी वेलोसिराप्टर को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। वीकू ने कहता है कि आज जुरासिक वर्ल्ड में 20,000 लोग हैं और वो खोखा शिकारी इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मसरानी कहते हैं कि मैं खुद इंडोमिनस को खत्म कर दूंगा और अपने सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर से उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं ग्रे और जीएच वहां रखी चीजों से जीप को स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे वो खुश होते हैं और जल्दी से जुरासिक पार्क के दक्षिण इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। ओवेन और क्लेयर भी जीप की आवाज सुनकर उस तरफ आते हैं, पर ग्रे और जेज वहाँ से निकल चुके थे। ओवेन भी वहाँ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उसे खोलने लगता है, पर तभी वहाँ इंडोमिनस डायनासोर आ जाती है, जिससे वो दोनों वही जीप के आगे छिप जाते हैं। पर इंडोमिनस को उनके महक से पता चल गया था कि वो वही छिपे हुए हैं, इसीलिए वो दूसरी तरफ से उन पर हमला करने लगती है। ओवेन और क्लेयर वहाँ से भागने लगते हैं इंडोमिनस को तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो उस तरफ निकल पड़ती है। क्लेयर लोविक को फोन करके बता देती है कि इंडोमिनस पुराने पार्क और पिंजरे के बीच है, इसीलिए तुम्हें सैनिकों को वहाँ भेजना होगा। लावी बताता है कि सैनिक पहले ही निकल चुके हैं। अब वो मसरानी को बता देते हैं कि इंडोमिनस पुराने पिंजरे की तरफ बढ़ रही है। सैनिक इंडोमिनस पर फायर करने लगते हैं, पर वो बस्ती हुई उड़ने वाले डायनासोर के पिंजरे में घुस जाती है, जिससे वो छोटे उड़ने वाले डायनासोर वहाँ से भागने लगते हैं। मसरानी हेलीकॉप्टर को ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, पर वो डायनासोर उन पर हमला करके उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर देते हैं, जिससे मसरानी मारे जाते हैं। क्लेयर और ओवेन भी ये सब देख लेते हैं। अब वो सभी उड़ने वाले डायनासोर जुरासिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर क्लेयर और ओवेन भी भागने लगते हैं। वहीं ग्रे और जेज भी जुरासिक पार्क में पहुंच जाते हैं। जारा क्लेयर को कॉल करके बता देती है कि बच्चे यहाँ आ चुके हैं, तो क्लेयर भी ओवेन के साथ वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। वहीं जुरासिक वर्ल्ड में सभी लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि काफी घंटों से उन्हें यही रोक कर रखा हुआ था और बताया जा रहा था कि उन्हें जल्दी शेल्टर में पहुंचा दिया जाएगा, मगर तभी वहां वो उड़ने वाले डायनासोर भी आने लगते हैं, जो लोगों पर हमला करके उनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। क्लेयर और ओवेन भी वहां पर आ जाते हैं। वीक भी यह नजारा देख रहा होता है, जिससे वो खुश होता है, क्योंकि वो चाहता था कि यह पार्क बंद हो जाए। जारा को भी एक डायनासोर उठाकर लेकर जाने लगता है, मगर तभी पानी में से मोसोसोरस बाहर निकल कर आता है, जो जारा के साथ ही उस डायनासोर को खा जाता है। ये देखकर ग्रे और जेज काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। ओवेन गार्ड के साथ ट्रंकलाइजर गन लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन डायनासोर को शूट करके बेहोश करने लगते हैं। ग्रे और जेज के पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है, पर वो बेहोश हो जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। ओवेन पर भी एक डायनासोर हमला कर देता है, पर क्लेयर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। ये देख कर ओवेन हैरान रह जाती है, अब उसे किस कर लेता है। क्लेयर ग्रे और जेज को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं हम विक को देखते हैं, जो मसरानी के मरने की वजह से कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लेता है। उनका मिशन था कि वो सभी लोगों की जान बचाए और डायनासोर को मार दे, जिसके लिए वो रेप्टर्स को तैयार करने लगते हैं। लावी क्लेयर को भी इस बारे में बता देता है कि बोर्ड ने अब इस मुसीबत से निपटने का काम इंजन प्राइवेट सिक्योरिटी को दे दिया है और वो रेप्टर का इस्तेमाल करके इंडोमिनस को खत्म करना चाहते हैं। ओवेन को जब इस बारे में पता चलता है, तो क्लेयर और दोनों बच्चों के साथ अपने बेस पर पहुंचता है। वो विक को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ और मेरे रेप्टर से दूर रहो। विक उसे समझाता है कि हम इन रेप्टर की मदद से सभी इंसानों को बचा सकते हैं। कुछ क्रूज जहाज सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे और अगर हमने सभी को बचा लिया तो हर जगह यही कहानी फैलेगी कि कैसे तुम्हारे रेप्टर ने सभी की जान बचाई। ओवेन भी मान जाता है और अब वो इंडोमिनस को ढूंढने के लिए सभी रेप्टर को उसका मांस का टुकड़ा सुंघाता है। अब वो बेरी और कुछ और सैनिकों के साथ जाने को तैयार था। रेप्टर को छोड़ दिया जाता है, जिससे वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। ओवेन भी अपने साथियों के साथ लगातार उनके साथ ही आगे बढ़ रहा था। रेप्टर पर लगे कैमरों से कंट्रोल रूम में सभी नजारा देख रहे थे। क्लेयर भी दोनों बच्चों को अपने साथ ट्रक में बिठा लेती है ताकि वो सेफ रहे। ग्रे को काफी डर लगता है, तो जेज उसे हौसला देता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वहीं ओवेन और
उसके साथियों को रेप्टर्स लोकेशन पर ले जाते हैं जहाँ इंडोमिनस छिपी हुई थी। वह सभी अपनी पोजीशन लेते हैं। इंडोमिनस डायनासोर बाहर आती है। रेप्टर्स उनसे बात करने लगते हैं। ये देखकर बेरी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उनकी बातों से ओवेन को पता चल जाता है कि इंडोमिनस को टीरेक्स और वेलोसिराप्टर्स के जीनोम से बनाया है, इसीलिए वो इतनी इंटेलिजेंट और बड़ी है। इंडोमिनस उन चारों छोटे रेप्टर्स को भी अपनी साइड कर लेती है। विगुन सभी को हमला करने का ऑर्डर देता है जिससे सभी इंडोमिनस पर फायर करने लगते हैं और उसे गिरा देते हैं, पर वो वापस खड़ी हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। रेप्टर भी छिप गए थे और उन सभी सैनिकों पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं जिससे वहाँ से भागने लग जाते हैं। ओवेन भी वहाँ से निकलने लगता है पर वो देखता है कि बेरी एक खोखले तने में है और उस पर ब्लू हमला करने की कोशिश कर रहा है। ओवेन ब्लू को अपनी तरफ बुलाता है जिससे उसका पीछा करने लगता है और बेरी की जान बच जाती है। दोनों बच्चे और क्लेयर भी ये देख रहे थे। तभी एक घायल गार्ड उन्हें वहाँ से निकलने को कहता है। रेप्टर वहाँ पर आ जाते हैं जो गार्ड पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर क्लेयर ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर वो रेप्टर उनका पीछा नहीं छोड़ते तो जेच और ग्रे चालाकी से उन पर सामान गिराने लगते हैं और क्लेयर भी उन्हें ट्रक से टक्कर मारने लगती है जिससे वो सभी रेप्टर से पीछा छुड़ा लेते हैं। ओवेन भी वहाँ पर आ जाता है और वो सभी अब पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। वीक साइंटिस्ट हेनरी वो को कॉल करके बताता है कि हमारा मिशन फेल हो गया, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया को अब हमारे खुफिया मिशन के बारे में पता चले, इसीलिए हम लैब के सभी सैंपल और अंडों को लेकर यहाँ से निकलना होगा। तो सभी तैयारी करके वहाँ से निकलने लगते हैं। अब लोगों को भी दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा था। ओवेन भी क्लेयर और दोनों बच्चों के साथ पार्क में आ जाता है जहाँ से वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से निकल सके। क्लेयर वहाँ देखती है कि लैब को पूरी खाली करवाया जा रहा है। ये सब वीक कर रहा था। क्लेयर वीक से पूछती है कि तुमने हेनरी के साथ क्या किया, तो बताता है कि डॉक्टर हेनरी वो हमारे लिए काम करते थे और उन्हें हमने सेफली यहाँ से निकाल दिया। तभी वहाँ ब्लू आ जाता है जो वीक पर हमला करके उसे मार डालता है। ओवेन वहाँ से बच्चों और क्लेयर के साथ भागने लगता है, पर बाहर बाकी रेप्टर भी आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं क्योंकि वो अब इंडोमिनस के साइड हो चुके थे। ओवेन उन्हें अपनी दोस्ती का एहसास कराता है जिससे वो वापस उसकी तरफ हो जाते हैं, मगर वहाँ इंडोमिनस आ जाती है जो उन्हें मारने को कहती है, पर वो रेप्टर उसकी नहीं सुनते। वो ब्लू पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है, पर बाकी रेप्टर भी उस पर हमला करने लगते हैं जिससे क्लेयर और बच्चे एक शॉप में छिप जाते हैं। ओवेन अपनी गन से इंडोमिनस पर हमला करता है। ग्रे क्लेयर से कहता है कि हमें और ज्यादा दांतों वाले डायनासोर को यहाँ लाना होगा, वो इसे रोक सकता है। क्लेयर समझ जाती है कि उसे टीरेक्स को यहाँ लाना होगा, इसीलिए उन्हें यहीं पर रहने का बोलकर टीरेक्स किंगडम की तरफ जाती है। इंडोमिनस उन दोनों छोटे रेप्टर पर भारी पड़ रहा था और उन्हें मार डालता है। ये देखकर ओवेन दोनों बच्चों के पास आ जाता है, पर इंडोमिनस उनकी तरफ बढ़ रहा था। क्लेयर लोवी को कॉल करके टीरेक्स किंगडम का गेट खुलवा देती है और वो फ्लेयर स्टिक की मदद से टीरेक्स का ध्यान आकर्षित करती है और दौड़कर उसे इंडोमिनस की तरफ लेकर आ जाती है, जिससे अब टीरेक्स और इंडोमिनस लड़ने लग जाते हैं। इंडोमिनस टीरेक्स पर भारी पड़ रहा था, वो उसे नीचे गिरा देता है, पर तभी ब्लू वहाँ आ जाता है जो वापस से इंडोमिनस पर हमला कर देता है। अब टीरेक्स भी वापस खड़ा हो जाता है। वो दोनों मिलकर इंडोमिनस को मारने लगते हैं और अब वो पानी के किनारे आ चुके थे। तभी पानी में से मोसोसोरस निकल कर आता है और इंडोमिनस को पकड़कर पानी में ले जाता है, जिससे इंडोमिनस मारा जाता है। टीरेक्स वापस से अपने इलाके की तरफ निकल जाता है। ब्लू ओवेन की तरफ देखता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब लोवी भी कंट्रोल रूम से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। ग्रे और जेज के पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं और वो दोनों उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। ओवेन और क्लेयर साथ रहने का फैसला करते हैं। वो दोनों साथ में निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपका फेवरेट डायनासोर कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप डायनासोर के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 10K लाइक एम पूरा करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।